क्लास इलेवेंथ के प्रोबेबिलिटी के इस चैप्टर में अभी तक हमने रेंडम एक्सपेरिमेंट और उससे बनने वाला जो सैंपल स्पेस है उस पर चर्चा की थी साथ के साथ है जो सैंपल स्पेस के सबसेट हमको मिले थे जिनको हमने इवेंट बोला था और टाइप ऑफ इवेंट्स इसके साथ ही हमने एलजेब्रा ऑफ इवेंट्स ये सब क्लियर कर चुके हैं ठीक है थीके? आज के इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी फाइंड कैसे की जाए अभी तक हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड नहीं की थी अभी तक तो हमने सैंपल स्पेस क्रिएट करना सीखा था जो इवेंट्स थी उनको कैसे डिफाइन करते कैसे क्रिएट करते ये सब सीखा था प्रोबेबिलिटी आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे तो सबसे पहले देखते प्रोबेबिलिटी फिर उसके बाद देखेंगे जो प्रोबेबिलिटी उसका एक्जोमेटिक अप्रोच क्या क्या है तो सबसे पहले मैं बात करूं प्रोबेबिलिटी की तो प्रोबेबिलिटी के लिए आपको कोई भी एक रेंडम एक्सपेरिमेंट दिया जाएगा रेंडम एक्सपेरिमेंट और उस रेंडम एक्सपेरिमेंट से आप सैंपल स्पेस क्रिएट करोगे और सैंपल स्पेस क्रिएट करोगे तो कुछ ना कुछ तो पॉइंट होंगे सपोज इसमें एन पॉइंट है एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स एन इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितने पॉइंट से मैंने इंक्लूड किए हैं स्मॉल एन ठीक है जिस बात की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है वो इवेंट आप क्रिएट करोगी और वो इवेंट क्या होगी जो सैंपल स्पेस था उसका एक सबसेट होगी ठीक है तो उसमें मान लिया मैंने स्मॉल एलिमेंट आ रहे हैं ठीक है एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स एम और ये जो एम की वैल्यू है ये कहां से कहां तक हो सकती है जो स्मॉल एम है ये हमको मालूम है कि अगर ये इवेंट है तो ये इसका सबसेट बनेगी है ना तो अगर ये इसका सबसेट बने तो m की वैल्यू कहां से कहां से, मतलब m की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है जितने इसमें एलिमेंट है मैक्सिमम उतने हो सकती है या उससे कम ठीक है तो m की वैल्यू लेस इक्वल n होगी है ना सपोज अगर s में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 10 है ठीक है और उसी से कोई एक इवेंट हमने डिफाइन की तो अगर ये उसकी इवेंट है तो इस इवेंट में इसके कितने पॉइंट हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा जितने इसमें पॉइंट है उतने हो सकते हैं या उससे कम तभी ई e, एस का सबसेट बन पाएगा है ना तभी हम ई e को एस की इवेंट बोलेंगे ठीक है ओके तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ई वो हमको कितने मिले स्मॉल m ओके अब हम प्रोबेबिलिटी जो फाइंड करते हैं ना प्रोबेबिलिटी को डिनोट किससे करते हैं ब्रैकेट और ब्रैकेट के अंदर जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी आप फाइंड कर रहे हो वो तो यहां पे मैं इवेंट ई e लेके चल रहा हूं तो किससे डिनोट करूंगा इवेंट ई e की probability को P E से ठीक है और event e की probability find कैसे करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस मतलब ई में कितने एलिमेंट थे स्मॉल एम और एस में कितने एलिमेंट थे एन एम बाई एन ये क्या बन जाएगी प्रोबेबिलिटी ओके okay? ये थी प्रोबेबिलिटी की मैथमेटिकल डेफिनेशन और अब इसके साथ ही हम डिस्कस कर रहे हैं सो तो इसकी एग्जोमेटिक अप्रोच है उसको तो उसमें आपको मेनली दो या तीन पॉइंट दो पॉइंट ही याद रखने हैं ठीक है पहला पॉइंट ये कि किसी भी इवेंट की अगर आप प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हो सपोज इवेंट ई है ना तो उस इवेंट ई e की प्रोबेबिलिटी या तो 0 होगी या 0 से बड़ी और 1 से छोटी या फिर 1 के बराबर ठीक है प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा जीरो से एक के बीच होती है और भी हो सकती है ना और जीरो अगर आपको नल इवेंट मिल जाए ठीक है जैसे कि कल हमने एग्जांपल लिया था मतलब प्रीवियस वीडियो में हमने इसका जो बेसिक किया तो उसमें एग्जाम्पल क्या लिया था सिक्सटीन में आपको एक लगना है ये रेंडम एक्सपेरिमेंट था ठीक है और इवेंट आपको ये रखी थी कि उस पर सात से बड़ा नंबर आए अब जो डाई है जो पास है उस पर तो एक से छह होते हैं सात से बड़ा कोई नंबर है ही नहीं इसका मतलब वो नल इवेंट है तो नल इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा जीरो होती है ठीक है वन कब जब आपको जो इवेंट गिवन है ना वो उसमें आने वाले जो भी एलिमेंट है वो सारे के सारे सैंपल स्पेस के पॉइंट्स बन जाए सैंपल स्पेस के एलिमेंट बन जाए जैसे इसी रेंडम एक्सपेरिमेंट की मैं बात करूं एक है उसको फेंका गया और इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि उस पर सात से कम नंबर आए सात से कम नंबर आने का मतलब क्या है ओके okay. सात से कम नंबर आने का मतलब क्या है एक दो तीन चार पांच छह और ये ही तो थे सैंपल स्पेस के पॉइंट्स ठीक है तो ये श्योर इवेंट होगी और श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी सिक्स बाई सिक्स तो प्रोबेबिलिटी जीरो आती है ठीक है तो ध्यान रखना प्रोबेबिलिटी हमेशा जीरो से एक के बीच आती है ठीक है इसका मतलब नेगेटिव नहीं आएगी ठीक है अच्छा दूसरा जो पॉइंट है ये ठीक ठाक है काफी इंपॉर्टेंट है दोनों इंपॉर्टेंट है दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आपको कोई पॉइंट्स दे रखे हैं कोई पॉइंट्स क्या सभी पॉइंट्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है किन की जो सैंपल स्पेस के पॉइंट्स है ना उनकी सैंपल स्पेस के पॉइंट्स क्या क्या है एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री अपू एक्स एन सारे के सारे कहां से बिलोंग कर रहे थे सैंपल स्पेस से ओके okay. तो इन सभी की अगर मैं इनको अलग अलग इवेंट लेके चलू अलग अलग इवेंट ले सकता हूं ना क्योंकि हमने सिंपल इवेंट थी है ना सिंपल इवेंट में क्या पढ़ा था हमने कि ऐसी इवेंट जिसमें एक एलिमेंट तो आ रहा तो है तो अलग अलग एलिमेंट की अगर मैं प्रोबेबिलिटी फाइंड करूं तो उनका अगर मैं सम लू ठीक है तो वो सम हमेशा एक के बराबर आएगा और यहां पर आई का मतलब क्या है आई की वैल्यू एक से और कहां तक एलिमेंट है एन तक वन टू एन है मतलब अगर मैं आई की वैल्यू वन पुट करता हूं तो मेरे को एक्स वन मिलेगी इसकी प्रोबेबिलिटी एन इक्वल टू पुट करूं करू तो सॉक्वल टू I पुट करू तो एक्स टू आईक्वल थ्री पुट प्रोबेबिलिटी आएगी उनका सम होगा मतलब क्या है एस सैंपल स्पेस एस के सभी पॉइंट की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा एक के बराबर होता है ठीक है तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है अब इस पर बेस्ड जो आपकी एक्सरसाइज है सिक्सटीन पॉइंट थ्री उसको स्टार्ट करते हैं हम जो एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं 16.3 वो है एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स जो कि फाउंडेशन बुक है पर बेस्ड है उसके चैप्टर 16 की एक्सरसाइज 16.3 है क्लास इलेवंथ के लिए तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रखे इसने लेट ए सैम्पल स्पेस बी एस इक्वल डब्लू वन डब्लू टू डब्लू थ्री डब्लू फोर डब्लू फाइव एंड डब्ल्यू डब्लू सिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग असाइनमेंट्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच आउटकम आर वैलिड तो हमको चेक करना है कि ये W1, W2, W3 जो W6 इवेंट एज ए इवेंट हमको दे रखी है इनकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी अलग अलग केस में दे रखी है तो कौन सी असेगमेंट इनमें से वैलिड है ठीक है तो यहां पे आपको जो प्रोबेबिलिटी का एक्जोमेटिक अप्रोच था वो ध्यान रखना है और उसके वो जो दो पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे और वो दो पॉइंट्स क्या थे जो भी प्रोबेबिलिटी है ठीक है वो प्रोबेबिलिटी एक या एक से कम जीरो या उससे बड़ी होनी चाहिए दूसरा पॉइंट क्या था सभी को अगर प्लस करें सम, समेशन ऑफ पी डब्ल्यू आई ठीक है वेयर आई इक्वल वन टू सिक्स छः तक है ना उन सभी का सम उन सभी की प्रोबेबिलिटी का सम वन के इक्वल आना चाहिए बस ये दो पॉइंट फॉलो करने हमको तो सबसे पहले देखो यहां तो तो आएगा क्यों आएगा इनवेलिड क्योंकि यहाँ पर W5 और W6 की आ रही है नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती जीरो से एक की भी चोनी चाहिए जीरो भी हो सकता है एक भी हो सकता तो तो है चलेगा ठीक है तो सी तो इनवेलिड है इसको चेक करो सभी पॉजिटिव है और जीरो से एक के बीच है जीरो पॉइंट आ रही है ठीक है अब इन सभी को प्लस करो और वन चाहिए अगर मैं इन सभी को प्लस करू एम सिक्स हो जाएंगे प्लस वन प्लस वन प्लस अप टू यहां तक ठीक है तो कितना आ रहा है सिक्स और नीचे भी क्या है सिक्स सिक्स बाई सिक्स कैंसिल वन इसका मतलब ए वैलिड है वैलिड कौन कौन सी आई अभी तक असाइनमेंट ए वैलिड आई है ठीक है और देखो इन में देखो प्रोबेबिलिटी जीरो या एक या इनके बीच। जीरो है एक है बिल्कुल है ठीक है इसका मतलब फर्स्ट पॉइंट सेटिस्फाई हो रहा है सेकंड पॉइंट के लिए इन सभी को प्लस करो वन चाहिए सभी को प्लस करो ये प्रोबेबिलिटी जो हमको देखिए इनको प्लस करने पर क्या रहा है वन आ रहा है ठीक है इसका मतलब जो हमको असाइनमेंट बी मिली हुई है वो भी वैलिड असाइनमेंट है ठीक है सी को हमने इनवैलिड बता दिया नेगेटिव होने की वजह से डी को चेक करो तो डी में क्या आ रहा है सभी को देख लो जीरो से एक बीच है क्या जीरो पॉइंट समथिंग है बिल्कुल ठीक है लेकिन ये देखो ये क्या वन पॉइंट समथिंग ये तो एक से बड़ी बता रहा है है ना इसका मतलब ये भी कैसी है ये भी इनवैलिड है ठीक है अब इसको चेक करो ई वाले को तो सारे की सारी जो भी प्रोबेबिलिटी हमको दे रखी है इसने वो जीरो से एक के बीच है ठीक है फर्स्ट केस सेटिस्फाई हो रहा है सेकंड केस क्या है उन सभी को प्लस करें तो वन आए अब इनको प्लस करो सभी को है ना देखो इन चारों को ही मैं प्लस करता हूं तो वन आ रहा है और फिर इनको प्लस करूंगा तो वन पॉइंट समथिंग आएगा ग्रेटर देन वन हो गया है ना तो ग्रेटर देन वन हो गया इसका मतलब ये भी इन वैलिड है तो कौन कौन सी वैलिड असाइनमेंट आई ए और बी ठीक है ए वाली और बी वाली ये वैलिड असाइनमेंट्स हैं जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है सेकंड में दो डाइस हैं उनको फेंकने पर जो भी आउटकम आएंगे उनको मैंने लिख लिया है ठीक है सैंपल स्पेस क्रिएट कर लिया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एज द प्रोडक्ट हमको वो पॉइंट्स uh, लेने जिनमें मल्टीप्लाई करने पर सिक्स आए तो उस बात को मैं ई से रिप्रेजेंट कर लेता हूं यानी इवेंट ई किस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्रोडक्ट इज मल्टीप्लाई करने पर क्या है सिक्स ठीक है तो सिक्स मल्टीप्लाई करने पर किस किस में आ रहा है इनको मल्टीप्लाई करो सिक्स नहीं आया इनको करो नहीं आया नहीं आया नहीं आया यहां पर आ रहा है वन कोमा सिक्स ठीक है ऐसे ही सिक्स कोमा वन यहां पर भी मल्टीप्लाई क्या आएगा सिक्स आएगा ओके यहां पर टू थ्री मल्टीप्लाई करने पर सिक्स आ रहा है टू और थ्री को ऐसे ही थ्री टू को मल्टीप्लाई करेंगे तो सिक्स आएगा ओके okay. और कोई रिजल्ट टू थ्री हो गया थ्री टू हो गया वन सिक्स हो गया सिक्स वन हो गया इसके अलावा कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा फोर वन फोर फोर टू जट बड़े आ रहे ये फाइव ये टेन बड़े आएंगे ये तो ऑलरेडी बड़े हैं ठीक है इसका मतलब हमको ये चार केस मिले है ना तो इस इवेंट ई e की हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो इवेंट ई e में कितने पॉइंट्स से इंक्लूड है वन टू थ्री फोर और एस में कितने पॉइंट्स है टोटल थर्टी सिक्स हैं तो अब हम इवेंट ई e की प्रोबेबिलिटी निकल पाएंगे कितनी आएगी नंबर ऑफ एलिमेंट इवेंट ई अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस यानी फोर अपॉन थर्टी सिक्स और अगर मैं इनको सिंप्लीफाई करूं तो कितना आएगा वन अपॉन नाइन इसका आंसर होगा नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड इन ए थ्रो ऑफ टू कॉइंस दो कॉइन को फेंके है ना तो सैंपल स्पेस क्या क्रिएट होगा दो कॉइन को फेंकने पर जो पॉसिबल आउटकम है वो टी टी हो सकता है टी एच हो सकता है एच टी हो सकता है और एच एच हो सकता है ठीक है सैंपल स्पेस हमने क्रिएट किया फिर क्या कह रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ हेड्स और बोथ टेल्स है ना तो बोथ हेड्स इसको मैं इवेंट ई e से डिनोट कर लेता हूं गेटिंग बोथ हेड ओके तो इवेंट ई e किसको डिनोट करें किसको रिप्रेजेंट करेगी कौन से एलिमेंट को जिनमें दोनों हेड आए दोनों हेड वाला कौन सा है ये वाला है ठीक है एच एच ओके इवेंट एफ डिनोट कर रहे बोथ टेल्स गेटिंग बोथ टेल्स ओके तो दोनों में टेल आए ये वाला केस है टी टी अच्छा और यहां पर कंडीशन कौन सी इवेंट कौन सी है बोथ हेड्स और बोथ टेल्स और वाली कंडीशन है ना तो और वाली जो इवेंट थी उसको हमने किससे डिनोट किया था इनके यूनियन से यानी ई यूनियन एफ तो ई यूनियन एफ क्या आएगा दोनों का यूनियन और दोनों का यूनियन क्या जिसमें ई e के भी पॉइंट हो और एफ के भी पॉइंट हो यानी एच एच कोमा टी टी ठीक है तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ तो ई यूनियन एफ में कितने एलिमेंट है टू आउट ऑफ टोटल एलिमेंट इन सैंपल स्पेस सैंपल स्पेस में कितने पॉइंट थे चार तो अपॉन क्या करें फोर सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर क्या आएगा

तो इसको मैं इवेंट ई e से डिनोट कर लेता हूं सम इज नाइन प्लस करने पर क्या आए नाइन आए है ना अब वो नाइन नाइन किस केस में आ रहा था वन सिक्स तक तो नहीं आ रहा था वन 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 टू वन थ्री वन फोर वन फाइव वन सिक्स ऐसे चेक किया तो वन और सिक्स को ऐड करने पर सेवन आ रहा है नाइन तो नहीं आ रहा तो कहां से आएगा तो यह टू फाइव से आएगा ना टू फाइव पे सॉरी नाइन होना चाहिए तो फोर फाइव पे और फाइव पे भी नहीं आ रहा थ्री सिक्स पे आ रहा है ना शुरुआत कहां से हो रही 3, है थ्री सिक्स से थ्री सिक्स एक एलिमेंट होगा दूसरा सिक्स थ्री भी होगा प्लस करने पर नाइन आना चाहिए फोर फाइव फाइव फोर इसके अलावा और कोई एलिमेंट है क्या जिनमें प्लस करने पे नाइन आ रहा हो ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है ठीक है उन थर्टी सिक्स केस में आप देख सकते हो तो यहां पे इवेंट ई डिफाइन कर ली मैंने अच्छा अब ये क्या कह रहे हैं इसी की प्रोबेबिलिटी हमको पूछिए है ना तो इवेंट ई e की प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करें इवेंट ई e में कितने एलिमेंट है वन टू थ्री फोर और इवेंट सॉरी सैंपल स्पेस में कितने पॉइंट्स थे टोटल थर्टी सिक्स तो यहां पे इवेंट ई e की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ई अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस यानी फोर अपॉन थर्टी सिक्स डिवाइड करो तो फोर वन जा फोर नाइन जा ठीक है ओके okay. अब इसका जो सेकेंड पार्ट है उसको देखते हैं सेकंड पार्ट में हमको क्या बोल रखे इसने ए डाई इज सोन ट्वाइस सॉरी ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस जो डाई है उसको दो बार फेंक दिया वट इज द प्रोल्टी दैट एट लीस्ट वन ऑफ द टू थ्रोज कम अप विद नंबर थ्री ओके ये तो शायद हमने पहले भी किया है 16.2 का सेकंड क्वेश्चन था ना देखो क्या कह रहे हैं एक डाई है उसको फेंक दिया दो बार ठीक है टोटल आउटकम कितने आएंगे 36 बनेंगे यानी सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट आएंगे 36 आएंगे तो ns मैंने कितना लिख दिया 36 ठीक है फिर ये क्या कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन ऑफ टू थ्रोस कम्स अप विद नंबर 3 जो दो बार फेक ना उनमें से वो पॉइंट्स आपको लेने वो इवेंट में आपको लेने हैं जिनमें कम से कम एक पर तीन आए है ना तो इसको मैं इवेंट e से डिनोट कर लेता हूं इवेंट e किसको डिफाइन कर रहे है नंबर 3 एट लीस्ट वन थ्रो ठीक है दो बार फेंके तो कम से कम एक थ्रो पर तीन आए है ना तो इवेंट ई में कौन कौन से पॉइंट इंक्लूड होंगे कम से कम एक बार थ्री आना चाहिए हो सकता है पहले पर थ्री आ गया दूसरे पर वन आया थ्री टू कम से कम एक बार तीन होना चाहिए इसका मतलब ज्यादा ज्यादा भी हो सकता है यानी दोनों थ्री हो सकते हैं ठीक है थीके? एटलीस्ट बोल रखे इसने यानी कम से कम एक बार तो आना चाहिए एक से ज्यादा बार कितनी बार भी आ सकता है तो ज्यादा बार कितनी बार आएगा दो बार ही तो आ सकता है यानी पहली बार भी तीन आए दूसरी बार भी तीन आए और क्या होगा थ्री फोर थ्री फाइव थ्री सिक्स अब ये भी तो हो सकता है कि पहले वाली जो थ्रो है उस पर थ्री ना आए लेकिन दूसरी वाली पर थ्री आ जाए इसका मतलब क्या है इसमें भी यही तो कह रहे हैं कि कम से कम एक बार तीन आना चाहिए तो इस पर नहीं तो इस पर आ गया ठीक है टू थ्री हो सकता है थ्री थ्री नहीं लेंगे रिपीट हो जाएगा वरना ना तो क्या ले फोर थ्री फाइव थ्री और सिक्स थ्री ठीक है ओके तो यहां पे इवेंट ई e में कितने एलिमेंट आए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन और एस में कितने एलिमेंट थे थर्टी सिक्स ये कोमा है तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी ई e में कितने एलिमेंट है और टोटल कितने थे ठीक है तो 11 अपॉन थर्टी इसका आंसर हो जाएगा अब देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन को इन ए सिंगल थ्रो ऑफ टू डाई ओके दो डाइस हैं उनको फेंक दिया फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टोटल ऑफ सेवन और नाइन तो ये जो सेवन आ रहा है ना इसको मैं लेट कर लेता हूं इवेंट ई e से डिनोट करता हूं इसको ना सम इज नाइन प्लस करने पर क्या आ रहा e है आ रहा है उसको इवेंट ई डिनोट कर रहा है ठीक है तो नाइन कब कब आ सकता है टोटल केस तो थर्टी सिक्स बनेंगे ना जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन में देखा था सभी केसेस को लिखा था ठीक है तो यहां पर कब कब आ सकता है पहले सेवन भी है ना चलो सेवन लिख लेता हूं पहले प्लस करने पर सेवन आना चाहिए तो वन सिक्स सेवन आ रहा है ना प्लस करने पर सिक्स वन भी हो सकता है टू फाइव इस पर भी सेवन आ रहा है फाइव टू इस पर भी सेवन आ रहा है थ्री फोर इस पर भी सेवन आ रहा है और फोर थ्री इस पर भी सेवन आ रहा है इसके अलावा और कोई केस नहीं है ठीक है तो इवेंट ई e में कितने एलिमेंट आए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ओके अब जो दूसरी इवेंट है इवेंट एफ ठीक है एफ किसको डिनोट कर रही है सम इज नाइन प्लस करने पर नाइन आई नाइन कब 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 आ सकता है थ्री सिक्स पे आ सकता है सिक्स थ्री पे आ सकता है फोर फाइव पे आ सकता है और फाइव फोर पे आ सकता है इनके अलावा तो कोई और केस नहीं है ठीक है तो कितने एलिमेंट हो गए इसमें इसमें एफ में एलिमेंट हो गए चार ठीक है तो अब मैं फर्स्ट वाले की प्रोबेबिलिटी निकाल पाऊंगा किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमको सेवन और नाइन और है यहां पे है ना यानी इनके यूनियन की प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है ठीक है तो इनका यूनियन निकाल लो ई यूनियन एफ ई यूनियन एफ यानी दोनों का यूनियन मतलब ई e के भी एलिमेंट आए एफ के भी एलिमेंट आए ठीक है तो इनका यूनियन क्या आ जाएगा वन सिक्स सिक्स वन टू फाइव देख लो कोई कॉमन तो नहीं है ना अगर कोई कॉमन होता तो उसको एक बार ही लिखते हैं ठीक है टू फाइव फाइव टू थ्री फोर फोर थ्री थ्री सिक्स सिक्स थ्री फोर फाइव फाइव फोर ठीक है तो इसमें कितने एलिमेंट आए ई यूनियन एफ में काउंट करो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ठीक है अच्छा अब इसकी प्रोबेबिलिटी हम निकाल लेंगे ई यूनियन एफ की कितने एलिमेंट है फाइव आउट ऑफ टोटल टोटल कितने थे थर्टी सिक्स सॉरी टेन है यहाँ पे टेन टेन आउट ऑफ थर्टी सिक्स अब आएगा फाइव अपॉन एटीन ठीक है तो सेवन और नाइन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है सम सेवन और नाइन आए उसकी प्रॉबलिटी फाइव एटीन है सेकेंड पॉइंट को देखते हैं सेकेंड में क्या है ए टोटल ऑफ फाइव और सेवन ऐसे ही आपको फाइव और सेवन का करना है उसको मान लो ए और बी इवेंट है ना ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सम इज फाइव है ना तो फाइव कब कब आ सकते हैं वन फोर पे फोर वन पे टू थ्री पे और थ्री टू पे इसमें कितने एलिमेंट हैं इवेंट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट इज फोर इवेंट बी इवेंट बी किसको डिनोट करेगा सम कितना है सेवन अच्छा सेवन वाला तो हमने ऑलरेडी ले लिया ना तो इसको बी नहीं ई लेंगे है ना इवेंट ई ठीक है इवेंट ई e में कितने एलिमेंट थे वो ही लिख लो क्योंकि इवेंट ई e हमने ऑलरेडी डिफाइन कर लिए सिक्स तो अब हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे इवेंट लेकिन उससे पहले और वाला केस है तो इनका यूनियन निकालो ई यूनियन ए तो इन दोनों का यूनियन ई e और ए इन दोनों का यूनियन निकालेंगे तो क्या क्या आएगा वन फोर कोई कॉमन तो नहीं है ना इसमें और इसमें कोई कॉमन नहीं है क्योंकि ये तो सेवन वाले को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये फाइव वाले को रिप्रेजेंट कर है ठीक है वन फोर फोर वन टू थ्री थ्री टू और इसके भी एलिमेंट आएंगे वन सिक्स सिक्स वन फाइव टू टू फाइव थ्री फोर फोर थ्री ठीक है तो यहां पे एलिमेंट कितने आ रहे हैं ई यूनियन ए में एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ठीक है तो इसकी प्रॉबिलिटी क्या आएगी E यूनियन A की प्रोबेबिलिटी वही आएगी 10 अपॉन 36 यानी 5 अपॉन 18 थर्ड पार्ट को देखते हैं थर्ड में क्या बोल रखे इसने सम ऑफ नंबर ऑफ टेन इज मोर देन टेन दस से ज्यादा उसको मैं इवेंट बी ले लेता हूं है ना सम इज मोर देन टेन अच्छा अब दस से ज्यादा यानी सम इलेवन आ सकता है इलेवन कब या तो सिक्स फाइव या फिर फाइव सिक्स या फिर ट्वेल्व आ सकता है यानी सिक्स सिक्स ठीक है तो कितने एलिमेंट है इसमें थ्री बी में कितने एलिमेंट आए तीन आए ठीक तो है तो इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी क्या आएगी बी में कितने एलिमेंट है और टोटल कितने थे यानी वन अपॉन्ट ट्वेल्व ठीक है थ्री अपॉन्ट थर्टी सिक्स करोगे तो कितना आएगा वन अपॉइन्ट ट्वेल्व आएगा ओके okay. अब देखते हैं फोर्थ को तो फोर्थ में इसने क्या बोल रखा है द सम एन इवन नंबर प्लस करने पर इवन नंबर आए है ना अच्छा अब देखो प्लस करने पर इवन आना चाहिए और यहां पर टोटल केस कितने थे थर्टी सिक्स थे यानी आधों पर इवन आएगा और आधों पर ओड आएगा ठीक है तो ये तो डायरेक्ट ही हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इज इवन अपॉन थर्टी सिक्स ओड वाले हैं 18 upon, 18 upon 36, इवन वाले हैं तो इवन वाले कितनी आएंट थर्टी सिक्स मतलब 2, ठीक है इसका आ गया अब देखते हैं फिफ्थ पार्ट को तो फिफ्थ पार्ट में इसने क्या बोल रखे है सम इलेवन यानी जो प्लस करने पर हमको रिजल्ट मिला वो नो भी ना आए और इलेवन ग्यारह भी ना आए इसका मतलब ये है कि जो नाइन है ना नाइन वाले देख लो पहले कितने हैं मैं नाइन का निकाल लेता हूँ और इलेवन का निकाल लेता हूँ ठीक है नाइन आने के लिए हमने निकाला था नाइन कब आ रहा था इस वाले में सम इज नाइन ठीक है तो नाइन वाले केस ये थे हमारे पास चार है ना इलेवन वाले केस इलेवन वाले केस थे हमारे पास मोर देन टेन में आए थे ये और ये ठीक है तो कितने केस हो गए एक दो तीन चार पाँच छः छः केस ऐसे हैं जिनमें नाइन और इलेवन आ रहा है बेबिलिटी ऑफ सम इज नाइन और इलेवन मैंने तो यस वाली निकाली नो वाली नहीं निकाली अभी है ना? देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं उसको समझो पहले आप नाइन और इलेवन का मतलब है जिनमें प्लस करने पर नाइन आए और इलेवन आए तो ऐसे कितने केस हमारे पास नाइन वाले चार इलेवन वाले दो इनका यूनियन लेंगे तो कितना आएगा छह ठीक है इनको प्लस कर लेंगे आउट ऑफ टोटल थर्टी सिक्स यानी वन अपॉन सिक्स लेकिन मेरे को निकालने क्या है ना इधर नाइन नोर इलेवन यानी सम नाइन भी ना आए और इलेवन भी ना आए सम इस, ठीक है इसका मतलब इसका अपोजिट है तो वन में से माइनस कर लो इसका कॉम्प्लीमेंट्री बोल दिया इसने एक तरीके से ना अगर मैं इसको पी लेट करूं तो ये क्या पी है पी है ठीक है इस बात का कॉम्प्लीमेंट है तो वन में से माइनस कर लेंगे तो क्या आएगा इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा सिक्स माइनस वन फाइव अपॉन सिक्स ये इसका रिजल्ट होगा नेक्स्ट देखते हैं सिक्स पार्ट मल्टीपल ऑफ थ्री एज यानी प्लस करने पर थ्री का मल्टीपल आए ठीक है अब प्लस करने पर थ्री के मल्टीपल कौन कौन हो सकता है उसको मैं इवेंट डी ले लेता हूं सम इज मल्टीपल ऑफ थ्री थ्री के मल्टीपल प्लस करने पर क्या क्या है वो देखो प्लस करने पर थ्री आ सकता है यानी वन टू टू वन एक तो ये केस ठीक है थ्री और किस पे आएगा किसी पे नहीं आएगा अच्छा थ्री uh, का मल्टीपल सिक्स भी है तो प्लस करने पर सिक्स आए और सिक्स कब कब आ सकता है टू फोर फोर टू वन फाइव फाइव वन थ्री थ्री ठीक है अच्छा मल्टीपल नाइन भी है तो नाइन वाले केस नाइन वाले केस ये चार हैं थ्री सिक्स सिक्स थ्री फोर फाइव फाइव फोर मल्टीपल इसका ट्वेल्व भी है है ना तो ट्वेल्व वाले एक ही केस है सिक्स कोमा सिक्स ठीक है अब टोटल देखो कितना हो गया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी इवेंट डी की प्रोबेबिलिटी कितने पॉइंट शामिल हुए इसमें डी में ट्वेल्व ट्वेल्व आउट ऑफ टोटल थर्टी सिक्स यानी वन अपॉन थ्री तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी वन अपॉन थ्री जो क्वेश्चन नंबर सिक्स है सिक्स में क्या बोल रखे इसने इन ए सिंगल थ्रो ऑफ टू डाइस ओके एक डाइस था सॉरी दो डाइस थे उनको एक बार फेंक दिया फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग ए डबलेट डबलेट का मतलब क्या है सेम सेम आना है ना तो इसको मैं इवेंट ई लेट कर लेता हूं इवेंट ई e किसको डिनोट uh, कर रहे गेटिंग ए डबलेट डबलेट का मतलब क्या है सेम सेम आउटपुट मिलना जैसे कि वन वन आ गया टू टू आ गया थ्री थ्री आ गया पहले पर फोर है तो दूसरे पर भी फोर है पहले पर फाइव आया तो दूसरे पर भी फाइव आ गया पहले पर सिक्स आया तो दूसरे पर भी सिक्स आ गया ठीक है तो इवेंट ई e में कितने एलिमेंट आए इवेंट ई e में मेरे को छ एलिमेंट ऐसे मिल गए ओके okay. और सैंपल स्पेस में कितने थे टोटल थर्टी सिक्स थे तो इवेंट ई e की प्रोबेबिलिटी मैं फाइंड कर पाऊंगा अब है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ई अपॉन नंबर अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस थर्टी सिक्स वन अपॉन सिक्स तो जो फर्स्ट पॉइंट था उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आई वन अपॉन सिक्स अब जो सेकंड पॉइंट है उसको देखो सेकंड पॉइंट में इसने क्या बोल रखा है थ्रोइंग ए डबलेट ऑफ इवन नंबर सभी को नहीं लेना इवन नंबर को इसको इसको और इसको बस ये तीन केस तो उसको मैं इवेंट एफ से डिनोट कर लेता हूं गेटिंग इवन डबलेट डबलेट्स यहां पर डब्लेट्स ओके अच्छा यहां पे देखो अब इवेंट एफ में कौन कौन आएगा इवेंट एफ में ये तीन आएंगे ये तीनों इवन है यानी टू टू फोर फोर सिक्स सिक्स ठीक है अच्छा तो एफ में कितने एलिमेंट आए वन टू थ्री अब मैं इवेंट एफ की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर पाऊंगा तो इवेंट एफ की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी एफ में कितने एलिमेंट है और टोटल कितने थे डिवाइड कर लो वन अपॉन ये इसका आंसर सेवंथ क्वेश्चन को देखते हैं अब सेवंथ क्वेश्चन में इसने बोल रखा है वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ फिफ्टी टू कार्ड ठीक है एक कार्ड निकाल लिया फिफ्टी टू में से इच ऑफ फिफ्टी टू कार्ड बींग इक्वली लाइकली टू बी ड्रॉन यानी जो फिफ्टी टू कार्ड है उनमें से कोई भी एक रेंडमली निकाल सकते हैं ठीक है इक्वल इक्वल चांसेस निकलने के फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट किस बात की प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी है फर्स्ट पॉइंट द कार्ड ड्रोन इज रेड इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो कार्ड निकाला वो कैसा है रेड है तो उसको मैं है ना, उसको मैं इवेंट e ले ई लेता हूं ना? E किसको डिनोट कर रही है कार्ड इज रेड रेड कार्ड होगा वो है ना तो रेड कार्ड कितने थे अब रेड कार्ड तो उनका नंबर में लिख देता हूं इवेंट ई e में जो एलिमेंट आएंगे उनका नंबर ठीक है रेड कार्ड कितने होते हैं फिफ्टी सिक्स फिफ्टी टू कार्ड में से ट्वेंटी सिक्स ठीक है अच्छा और टोटल कार्ड कितने फिफ्टी टू तो इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी क्या ट्वेंटी सिक्स बाई फिफ्टी टू वन बाई टू ठीक है बी को देखो द कार्ड रोन इज ए किंग उसको मैंने इवेंट एफ ले लिया है ना और वो क्या इवेंट एफ कार्ड इज ए किंग किंग कितने चार होते हैं है ना तो एफ में कितने एलिमेंट चार एस में फिफ्टी टू तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी इवेंट एफ की प्रोबेबिलिटी फोर आउट ऑफ फिफ्टी टू यानी वन अपॉन थर्टीन ठीक है ये हो गया इसका अब देखते हैं नेक्स्ट जो इसका सी पार्ट है उसको तो सी पार्ट में इसने क्या बोल रखा है देखो द कार्ड ड्रॉन इज रेड एंड ए किंग एंड ए किंग ओके तो इसको मैं लेट अच्छा रेड तो मैंने लेट कर लिया ना अच्छा किंग इसको भी मैंने लेट कर रखा था दो इवेंट ई e और एफ को है ना तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई e एंड एफ है यहां पे और ई एंड एफ का मतलब क्या है इवेंट ई एंड एफ का मतलब इन दोनों का कॉमन और कॉमन मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन ओके तो ई e इंटरसेक्शन एफ कैसे निकाले E इंटरसेक्शन हमको फाइंड करनी है ठीक है ई इंटरसेक्शन F का मतलब क्या है कि वो कार्ड रेड भी होना चाहिए और वो किंग भी होना चाहिए इसका मतलब रेड किंग होना चाहिए ठीक है ई इंटरसेक्शन F का मतलब है, डिफाइन कर रहा हूं मैं यहां पे कौन अप्लाई किया मैंने गेटिंग कार्ड इज रेड किंग कार्ड इज रेड किंग ठीक है तो लाल रंग के कितने किंग है दो होते हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ कितना आएगा टू आएगा ठीक अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे ई इंटरसेक्शन एफ की तो ई इंटरसेक्शन एफ में दो एलिमेंट कितने में से टोटल फिफ्टी टू में से वन अपॉन ट्वेंटी सिक्स तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी वन अपॉन ट्वेंटी सिक्स एक बार इसको फिर से समझो द कार्ड ड्रोन इज रेड एंड ए किंग है ना वो जो कार्ड हम निकाल रहे हैं वो लाल रंग का भी और किंग एंड है यहाँ पे है ना इसका मतलब इनके कॉमन की बात हो रही है तो रेड कलर का जो किंग है उसकी प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी है तो रेड कलर के किंग कितने होते हैं दो होते हैं ना ठीक है अब वो जो दो कार्ड थे तो उनका नंबर मिल गया जो हमारे फेवर में जो बात बोल ली जा रही है उसमें कितने एलिमेंट है दो हैं ठीक है और टोटल कितने थे टोटल कार्ड 52 थे तो उनका रेशियो लेंगे तो प्रोबेबिलिटी आएगी अब डी पॉइंट को देखते हैं डी पॉइंट में क्या बोल रहा है किसने द इज रेड और और ए किंग अब की बार और वाला केस है। यानी यूनियन वाला है ठीक है ब्लर हो रहा है अब देखो यूनियन वाली चर्चा करनी है हमको है ना तो यहां पे जो पहली इवेंट है वो तो क्या है रेड है और दूसरी क्या किंग है तो उनको तो मैं ई e और एफ लेट कर चुका ना बस बीच में देखो यहां पे और आ रहा है मतलब हमको यूनियन लेना है ठीक है तो हमको प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है E और F है ना इसका मतलब E यूनियन F इस बात की हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है या तो वो रेड हो या वो किंग हो या फिर दोनों हो ठीक है देखो तो E यूनियन F कैसे निकाले तो E यूनियन F का मतलब समझो पहले आप E यूनियन F का मतलब है कि आपको भी रेड कार्ड है उनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है जितने भी किंग है उनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है ठीक है ओके अब देखो जितने भी रेड कार्ड थे उनकी प्रोबेबिलिटी जितने भी किंग थे उनकी प्रोबेबिलिटी किंग कितने थे चार रेड कार्ड कितने थे 26. लेकिन एक चीज आप नोट कर रहे होंगे कि जो रेड कार्ड थे ना उनमें भी दो किंग तो आ चुके ना है ना कौन से इंक्लूड हो गए वो इंक्लूड हो गए जो दोनों का इंटरसेक्शन बता रहे हैं है ना और यहां पे आप किंग को फिर से ऐड कर रहे हो तो इसका मतलब दो किंग एक्स्ट्रा चले गए ठीक है तो दो किंग इन चार किंग यहां से फिर आएंगे तो इसका मतलब दो किंग फालतू रहेंगे वहां पे तो उसमें से माइनस कर दो जो इनके इंटरसेक्शन में आ रहे थे मतलब रेड कार्ड में जो भी थे ना रेड कार्ड में ट्वेंटी सिक्स पत्ते गए हैं ना ट्वेंटी सिक्स कार्ड गए हैं अब ये कह रहा है चार किंग और है अब वो जो चार किंग है उनमें से भी दो रेड है और दो ब्लैक है ठीक है वो जो चार कार्ड आप ले रहे हो उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हो उसमें से दो तो पहले ही आ चुके हैं ना है ना तो इनको हटाओ फिर इनको हटाएंगे तो हमको बैलेंस बना रह जाएगा हमारी इस बात का है ना तो क्या लिखेंगे माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई e इंटरसेक्शन एफ यानी रेड एंड किंग ठीक है इसका एक फॉर्मूला भी है और वो फॉर्मूला क्या है अगर आपको ई यूनियन एफ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है ठीक है तो उसके लिए फॉर्मूला है इवेंट ई e की प्रोबेबिलिटी प्लस इवेंट एफ की प्रोबेबिलिटी और माइनस इनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी तो हमने इसी को तो यूज किया है ठीक है यहां पे इवेंट ई e की प्रोबेबिलिटी यानी रेड कार्ड की रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है किंग ई e की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और ये चीज माइनस क्यों कर रहे हैं क्योंकि जब हम रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे ना तो रेड कार्ड में भी तो किंग आ चुके है दो किंग आ चुके है और फिर भी हम चार किंग की यहां पर लिख रहे हैं प्रोबेबिलिटी इसका मतलब दो कार्ड तो पहले ही जा चुके हैं ना ठीक है तो उनको हटाओ पहले फिर आप इन किंग की निकाल सकते हो ठीक है इसलिए हम माइनस करते हैं यहां अब आप वैल्यू पुट कर लो इनमें तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा इवेंट ई e की प्रोबेबिलिटी इवेंट ई e की प्रोबेबिलिटी तो हम निकाल चुके हैं ना वन बाई टू इवेंट एफ की प्रोबेबिलिटी एफ की प्रोबेबिलिटी भी हमने निकाली थी वन अपॉइंट थर्टीन और इनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी हमने निकाली थी वन अपॉइंट ट्वेंटी सिक्स ठीक है एलसीएम कितना आ रहा है ट्वेंटी सिक्स ऊपर आएगा थर्टीन टू वन यानी फोर्टीन अपॉन ट्वेंटी सिक्स मतलब सेवन अपॉन थर्टीन ये इसका आंसर होगा अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर को तो क्वेश्चन में क्या बोल रखा इसने ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम एन ऑर्डिनरी पैक ऑफ फिफ्टी टू प्लेंग कार्ड से ठीक है एंड ए पर्सन बैट से दैट इट इज ए स्पेड और एन एक कोई एक बंदा है वो इस बात की शर्त लगाता है कि जो कार्ड निकला ना वो या तो स्पेड का होगा या फिर कोई एक एक का होगा एक ठीक है आप इसको एस बोलो या एक बोलो जो भी बोलो वट आर अगेंस्ट हिज विनिंग द बेट तो उसके शर्त जीतने के अगेंस्ट क्या ओड्स होंगे तो ये ओड्स नई चीज आई है इसको समझो आप ना देखो ओड्स हम दो तरीके से निकालते हैं या तो किसी इवेंट के फेवर में या फिर उसके अगेंस्ट ठीक है जैसे कि कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट आपको दिया गया है वहां से आप सैंपल स्पेस क्रिएट करोगे कुछ पॉइंट्स होंगे उसके सबसेट को हम इवेंट नाम देते हैं ठीक है उसमें भी कुछ पॉइंट्स होंगे तो इवेंट ई e में पी e पॉइंट है? okay, मतलब ऐसे हैं जो इस इवेंट ई e को फेवर कर रहे हैं ना? इसका मतलब यही है अच्छा और एन डैश e का मतलब क्या है ऐसे पॉइंट जो इवेंट ई e को फेवर नहीं कर रहे मतलब उसके अगेंस्ट ठीक है तो कितने पॉइंट होंगे एस में से उन ई वाले पॉइंट्स को माइनस कर लो बाकी बच्चे उसके अगेंस्ट होंगे तो उसको मैंने क्यू लेट कर लिया ठीक है तो यहां किसको डिनोट करेगा ये उन ओड्स को डिनोट करेगा ओड्स यहां पे मैंने रेशो क्या लिया पी रेशो क्यू पहले नंबर पी को लिया ना और पी कौन से पॉइंट थे जो इवेंट को फेवर कर रहे हैं तो यहां पे लिखेंगे ओर्ड्स इन फेवर ऑफ इवेंट ई ठीक है तो ये जो पी रेशो क्यू है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे है? इवेंट जो हमको ई e मिली थी उसके फेवर वाले ओड को ओके अच्छा लेकिन हमको तो अगेंस्ट वाला निकालने तो इसका उल्टा कर दो यानी क्यू रेशो पी वो किसको रिप्रेजेंट करेगा ओड्स अगेंस्ट ऑफ इवेंट ई e. ध्यान देना ऊपर वो आएगा पहले वो आएगा जिसके रेस्पेक्ट में आप निकाल रहे हो अगर ओड से फेवर में निकाल रहे हो इवेंट के तो फेवर वालों का नंबर आएगा है ना और अगेंस्ट में निकाल रहे हो तो अगेंस्ट वाले का नंबर ऊपर आएगा और यहां पे डायनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट यानी एन एस नहीं होगा ये ध्यान रखना ठीक है टोटल नंबर में से इसको माइनस करने पर जो आया वो होगा टोटल नंबर में से क्यू को माइनस करने पर जो बचे वो होगा ठीक है अब देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर एट को तो यहां पे टोटल कार्ड कितने फिफ्टी टू है यानी एन एस फिफ्टी टू ठीक है अच्छा अब इवेंट क्या रखिए स्पेड और एन एक है ना तो उसको मैं ई कर लेता हूं इवेंट ई e क्या है गेटिंग कार्ड इज स्पेड और एन एक ठीक है तो ये जो इवेंट ई e है इसमें कितने पॉइंट शामिल होंगे स्पेड के कितने होते हैं थर्टीन है 13, ना और यहां पे एक की बात हो रही है तो चार एक e के होते हैं जिसमें से एक तो स्पेड का हो गया तो तीन और बचे ना तो प्लस थ्री कर लो यानी टोटल कितने सिक्सटीन पॉइंट्स होंगे इवेंट ई e में ठीक है अच्छा अब मैं बात करूं ई e डैश की यानी जो पॉइंट ई e में नहीं है टोटल कितने थे फिफ्टी टू उनमें से सिक्सटीन पॉइंट ऐसे हैं जो ई e के फेवर में है तो के अगेंस्ट कितने होंगे माइनस कर लो कितना आएगा थर्टी सिक्स ठीक है अब मेरे को अगेंस्ट वाला है ना? अगेंस्ट हीज विनिंग अगर ये आता है ना तो वो जीत जाता है लेकिन उसके अगेंस्ट निकालना हमको ना हीज विनिंग द बेट ठीक है तो वो रेशियो क्या था जो ई e डैश के अगेंस्ट निकालना है तो ई e डैश के जो एलिमेंट थे सॉरी पी नहीं यहाँ पे एन आएगा यानी 36 आउट ऑफ टोटल नहीं यहाँ पे यहाँ पे क्या आएगा यहाँ पे आएगा दूसरा वाला कौन सा था जो इसको फेवर कर रहे थे यानी ई e के एलिमेंट ई e के एलिमेंट कितने थे 16 थे ठीक है अगर यहीं पे आपको बोला जाता कि इसके फेवर में निकालो जितने के फेवर में आपको निकालना है तो फेवर वाला पहले आता मतलब 16 ऊपर आता और इसके जो अगेंस्ट है वो नीचे आता 16 अपॉन 36 हो जाता ठीक है लेकिन हमको तो अगेंस्ट अगेंस्ट निकालना था विनिंग के अगेंस्ट है ना तो इनको सोल्व कर लो फोर नाइन जाोर जा तो आंसर क्या आएगा अपॉन मतलब नाइन रेशो फोर ये इसका राइट आंसर होगा अब देखते हैं नाइन्थ को तो नाइन्थ में इसने क्या बोल रखा है इन ए सिंगल थ्रो ऑफ थ्री डाइस ओके फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेम नंबर ऑन ऑल द थ्री डाइस तीनों पर सेम रिजल्ट आए उसको मैं इवेंट ई e लेट कर लेता हूं ठीक है किसको डिनोट कर रही है गेटिंग सेम नंबर ऑन ऑल थ्री डाइस ठीक है तो इवेंट ई e क्या हो सकती है सेम नंबर आना चाहिए मतलब तीनों पर वन 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 हो सकता है ये पॉइंट नहीं है कोमा यहाँ पे इसको नेगलेक्ट करना ठीक है थीके? तीनों पर टू 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 हो सकता है तीनों पर थ्री 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 हो सकता है तीनों पर फोर 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 हो सकता है फाइव, फाइव 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 भी हो सकता है और लास्ट सिक्स 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 तीनों पर सेम रिजल्ट आ रहे हैं ठीक है अच्छा अब टोटल आउटकम कितने हैं पहले तो इवेंट ई की बात करो ना इवेंट ई में कितने पॉइंट शामिल है छः और टोटल जो सैंपल स्पेस बनेगा उसमें कितने टू हंड्रेड डाइस को तीन बार फेक रखे ना या फिर आप ऐसे बोलो तीन डाइस को एक बार फेक रखे हैं? ठीक है तो टोटल okay. अच्छा, इवेंट इस, ई इस e की प्रोबेबिलिटी तो e क्या आएगी इवेंट ई e में कितने एलिमेंट है और टोटल कितने थे डिवाइड कर दोनो सिक्स तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी वन अपॉन थर्टी सिक्स ठीक है नेक्स्ट देखते हैं नॉट गेटिंग द सेम नंबर ऑन ऑल ऑफ ऑल द डाइस यानी सेम नहीं आना चाहिए और इसमें हमने क्या निकाला सेम आना चाहिए यानी yani, इसका कॉम्प्लीमेंट है तो कॉम्प्लीमेंट होता है तो उसको वन में से माइनस कर लेते हैं टेंथ क्लास में भी हमने पढ़ा था तो सेकेंड वाले में क्या आएगा रिक्वायर्ड प्रोबेबलिटी ऐसे ही लिखो ना इतना बड़ा कौन लिखेगा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी वन में से इवेंट ई e की प्रोबेबिलिटी माइनस कर लो वन वन में से माइनस कर लो इवेंट ई e की प्रोबेबिलिटी ठीक है वन माइनस वन अपॉन थर्टी सिक्स इसका मतलब क्या है इस इवेंट ई e की ये जो प्रोबेबिलिटी आई ना इसको हटा दो ठीक है यानी इन पॉइंटों को हटा दो बाकी जो भी आएंगे उन सभी में सेम पॉइंट कोई नहीं मिलेगा ठीक है तो कितना आएगा थर्टी सिक्स माइनस वन थर्टी फाइव अपॉन थर्टी सिक्स ये इसका आंसर हो जाएगा अब देखते हैं लास्ट आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन टेंथ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर सिलेक्टेड फ्रॉम द नंबर वन टू अप टू इज प्राइम प्राइम नंबर नंबर की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है हमको यहां से एक से पच्चीस तक और ये क्या कह रहे हैं यू में एज्यूम दैट इच ऑफ 25 ट्वेंटी इज इक्वली लाइकली टू बी सिलेक्टेड जो भी नंबर सिलेक्ट किया है ना उसके इक्वल इक्वल चांस है कोई भी नंबर सिलेक्ट करे इक्वल चांस है ठीक है ट्वेंटी फाइव नंबर के सिलेक्शन के इक्वल इक्वल चांस है ये कह रहा है तो यहां पे इवेंट को मैं क्या लेट करूं गेटिंग ए ए प्राइम प्राइम नंबर नंबर है है ना उसी की फाइंड करनी गेटिंग कहां तक कहा से पच्चीस तक है ना तो इवेंट ई में कौन कौन से पॉइंट शामिल होंगे वन तो यूनिक नंबर है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर टू है टू थ्री प्राइम नंबर क्या जिनमें खुद के अलावा किसी से डिवाइड ना हो सेवन इलेवन थर्टीन 17, नाइनटीन ट्वेंटी थ्री ठीक है कितने हो गए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन इवेंट ई में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने 9 आए नाइन आए आउट ऑफ टोटल टोटल कितने थे ट्वेंटी फाइव तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी नाइन अपॉन ट्वेंटी फाइव ठीक है तो ये इसका आंसर थैंक यू